दिल्ली प्रेस क्लब में तो कुछ ऐसा प्रस्ताव रखिएगा, मैं आपके साथ जरूर चलूंगा, बहन जी भी चलेंगे, सभी लोग चलेंगे जो कोई ऐसा नहीं है, और ये अच्छा हो इसकी मेरी पूरी अपेक्षा आशा रहेगी, प्रयास रहेगा। और मैं आप सबको धन्यवाद दूंगा कि होली पे तो आप लोग मनाते थे, लेकिन पहली बार हम लोग तो आप लोग को माला पहनाते थे, लेकिन आज आपने मुझे कोई कह रहा था कि आप हार पहनाएंगे, उनका हार ना पहनाने देना, उनको माला पहनाने देना। अब कवियों का मामला है, कवि कहेंगे कि हार और माला में अंतर क्या है। हार के बारे में पर अटल जी को लोग हार पहना रहे थे, अटल जी नहीं पहनेंगे। लोगों ने कहा कि क्यों नहीं पहनोगे, जी हार पहन लीजिए, उनका मैं नहीं पहनूंगा। लोग समझे कि ये नाराज हो गए। तब तक ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी भी आशु कवि थे, कवियों का कितना बड़ा कमाल होता है, डॉक्टर उदय प्रसाद जी ऐसा श्रेष्ठ कवि बैठा हो तो हम लोग क्या बताएं। अभी मैं आइए अधिकारियों को कविता पढ़ते सुन रहा था, तो मैं इतना ध्यानमग्न हो गया था कि इतना अच्छा ये लोग भी बोल सकते हैं। लेकिन बहुत अच्छा वो था, द्विवेदी जी थे। तो अटल जी के सामने ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी बैठे थे, तो उन्होंने कहा कि मत पहनाओ हार, सभी सोचते अटल क्यों क्यों न पहनते हार, इन्हें जीत स्वीकार है क्यों स्वीकार है हार। इनको जीत जो है पसंद है, वो यहां से जीतते थे, हार नहीं पहनेंगे, इसलिए आप हार कह रहे हो। हार को है तो माला होती है, माला को हार तब कहते जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु के ऊपर लोग कहते हैं जीवन से हार गया तो जा रहा है अंतिम समय है, तब उसको जब पहनाते उसको बोलते हैं हार। इसलिए अटल जी ने कहा कि हम हार नहीं पहनेंगे, तो आज ने कहा कि हार पहनेंगे, तो मुझे वही अटल जी का काव्य याद आ गया। लेकिन निश्चित रूप से आप कविता का भी लुत्फ उठाएंगे और साथ साथ चाट का भी लुत्फ उठाएंगे, मेरी शुभकामनाएं हैं। प्रेस क्लब ऐसा हंसता रहे बोलता रहे, पत्रकार हंसेंगे तो उनकी लेखनी भी सकारात्मक अधिक लिखेगी, नकारात्मक तो लिखते नहीं आप लोग, लिखने का मौका नहीं मिलता, लेकिन सकारात्मक और अच्छा लिखेंगे। इसलिए मेरी शुभकामनाएं, आपने मुझे माला पहनाई, माला मैं पहन चुका था, बहुत लेट से पहना था मैंने, लेकिन बहुत धन्यवाद आपका आपके।